किसान भाइयों नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा मल्टीप्लाई कंपनी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से। किसान भाइयों, आज मैं गेहूं की फसल के बारे में बताऊंगा, जो फसल श्री बाबू भाई मालूना जी की है, जो बनासकांठा गुजरात के रहने वाले हैं। बाबू भाई मालूना जी पिछले 2 वर्षों से मल्टीप्लाई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसान भाइयों, मैं इस फसल की खासियत बता दूँ, ये ज़मीन एक बंजर ज़मीन है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा खाद उर्वरक देने के बावजूद भी मुश्किल से 12 से 15 क्विंटल का उत्पादन मिलता था, लेकिन पिछले 2 वर्षों से मल्टीप्लाई तकनीक इस्तेमाल करने के बाद किसान भाई को 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन बढ़कर मिल रहा है। ये फसल आप देख रहे हैं मल्टीप्लायर, मतलब जहां पर 12 क्विंटल 13 क्विंटल से उत्पादन बढ़कर नहीं मिलता था, अभी इस समय मल्टीप्लाई तकनीक इस्तेमाल करने से बालियों के साइज, पौधों में तनों की, कल्लों के साइज, कल्लों की संख्या, इसमें बहुत सारे वृद्धि आई है, जिसके कारण 4 से 5 क्विंटल का उत्पादन बढ़कर मिल रहा है। किसान भाइयों, जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हो, फसल में कोई भी रोग नहीं है, और ऐसी ज़मीन जहां पर, जिसे हम लाल मिट्टी बोलते हैं, जहां पर बहुत ज़्यादा खाद डालनी पड़ती है, लेकिन खाद का भी उपयोग कम किया गया है, आप कल्लों की संख्या खुद भी देख रहे हैं, इसमें किसान भाई ने मल्टीप्लाई तकनीक का ज़मीन से उपयोग किया है और स्प्रे के माध्यम से उपयोग किया है। किसान भाई के हिसाब से यूरिया और DAP में कम से कम 30 से 40% का खर्च कम हुआ है, लेकिन मल्टीप्लायर जो उन्होंने उपयोग किया है उसको स्प्रे में किया है और ज़मीन से किया है। मैंने इसमें वीडियो के माध्यम से किसान भाई का नंबर, नाम और ज़िले का नाम पूरा डिटेल दे रखा है, जिसके माध्यम से आप उनसे संपर्क करके इसकी जानकारी स्वयं ले सकते हैं। किसान भाइयों, मल्टीप्लायर तकनीक में गेहूं की फसल में कैसे क्या उपयोग हुआ है, आइए हम बताते हैं आपको। पहले किसान भाइयों, इस जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल नहीं हुआ है, और अभी आपके बगल वाली फसल में देखा, इसमें मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। दोनों की जो बुआई का समय है लगभग एक ही है, बहुत अंतर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप कितना बड़ा अंतर देख रहे हैं। इसमें अभी बालियां आनी शुरू हुई हैं, उसमें पूरी तरह बालियां आ चुकी हैं। तो किसान भाइयों, मल्टीप्लाई तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए बीज शोधन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बीज शोधन कर लेते हैं तो जर्मिनेशन का जो एवरेज है वो बढ़ जाता है। जैसे अगर आप मल्टीप्लाई तकनीक इस्तेमाल करते हैं और 23 से कम 80 से 90% बीज जर्मिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे पहले आप मल्टीप्लाई तकनीक इस्तेमाल नहीं करते हैं तो सभी कंपनियां बोलती हैं कि हमारे बीज का जो जर्मिनेशन है वो 70% का एवरेज आता है, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई तकनीक से बीज शोधन कर लेते हैं तो यहीं पे आपका जो बीज जर्मिनेशन है उसका एवरेज 10 से 20% तक बढ़ जाता है, मतलब कि 80 से 90% तक जर्मिनेशन बढ़ जाता है, और जितने परसेंट बीज का जर्मिनेशन बढ़ेगा, जाहिर सी बात है आपका उत्पादन भी उतना ही बढ़ जाएगा। किसान भाइयों, मल्टीप्लायर उपयोग करने का सबसे बढ़िया तरीका दूसरा है, ज़मीन से देने का। किसान भाइयों, अगर आप एक बार में ही मल्टीप्लायर देना चाहते हैं तो आप दो तरह से दे सकते हैं। पहला, 1 किलो देना है तो 1 किलो अगर आपको एक ही बार देना है तो 1 बार दे दीजिए, 2 बार देना है तो आधा आधा किलो कर दे दीजिए। अगर आपको और बढ़िया करना है तो 2 किलो मल्टीप्लायर दीजिए, एक बार में देना है तो 2 किलो एक साथ दे दीजिए, नहीं तो 1-1 किलो करके 2 बार में दे दीजिए, और स्प्रे में 200 ग्राम मल्टीप्लायर 2 बार प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है। किसान भाइयों, मल्टीप्लायर तकनीक से इस्तेमाल करने के बाद आपकी बालियों की लंबाई ज़्यादा होगी, उसमें दानों की संख्या ज़्यादा होगी, उसमें कोई भी रोग और कीड़े नहीं आएंगे। वीडियो के माध्यम से मैं ये सब दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। किसान भाइयों, पूरे भारत देश के कई राज्यों में, कई ज़िलों में, कई तहसीलों में हम काम कर रहे हैं। दिए गए नंबर पर आप कहीं से भी, किसी भी राज्य से, किसी भी ज़िले से, किसी भी तहसील से, किसी भी गांव से मल्टीप्लायर का ऑर्डर कर सकते हैं। किसान भाइयों, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।